नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु डॉट कॉम से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 25 अक्टूबर सन 2021 सोमवार, कारोबारी सप्ताह का पहला दिन। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एग्रो जींस में क्या संभावना बन सकती है, सोने चांदी के अंदर क्या रुख रह सकता है और शेयर बाजार में बैंक निफ्टी के अंदर क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त गृह स्थिति कैसी है, ये सब इस विशेष शो के अंदर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में हमने हल्दी एवं जीरे की सही सटीक भविष्यवाणी की थी। प्याज के बारे में भी हमारा अग्रिम अनुमान सत्य साबित हो रहा है और लगभग प्याज के अंदर पिछले 2 महीने में 3 गुने से ज़्यादा बड़ी तेज़ी दर्ज हो चुकी है और गवार सीड के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी बाज़ारों में देखने को लगातार मिल रही है। याद रखिएगा, एग्रो जींस के अंदर मुनाफा वसूली सही समय पर हो तो आपको लाभ मिलेगा और यदि आप सही समय पर मुनाफा वसूली करने में यानी प्रॉफिट बुकिंग करने में चूक जाते हैं तो हाथ से मौका निकल जाता है। ये सिद्धांत चाहे शेयर बाज़ार हो या एग्रो जींस हो या फिर कमोडिटी बाज़ार सोना चांदी या कच्चे तेल में हो। दोस्तों, सबसे पहले आज की प्लैनेटिकल कंडीशन, आज क्या ग्रह स्थिति है। चंद्रमा आज वृषभ राशि में राहु के साथ विराजमान है। गौरतलब है कि राहु और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि के अंदर विराजमान हैं, जबकि केतु शुक्र के साथ में वृश्चिक राशि पर हैं जो राहु से 180 डिग्री की दूरी पर हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य एवं मंगल दोनों वायु तत्व की राशि यानी तुला राशि में हैं और गुरु एवं शनि पृथ्वी तत्व की राशि गुरु एवं शनि मकर राशि के अंदर विराजमान हैं। बुध अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में विराजमान है। यह है ग्रह स्थिति आज की। अब क्या संभावनाएं बन सकती हैं एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर, एग्रो जींस के अंदर, वो हम चर्चा कर रहे हैं। आज आप तेज़ी की संभावना नज़र आ रही है जीरे के अंदर। जीरा मजबूती की ओर अग्रसर हो सकता है। कैस्टर सीड में भी तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त कपास यानी कॉटन एवं कपास खली बहुत महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है, विशेषकर राजस्थान, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों के लिए और तेलंगाना जैसे राज्यों के सभी का कॉटन के किसान एवं मंडी कारोबारी बहुत बारीक और पैनी नज़र कॉटन के उतार चढ़ाव पर रखते हैं। गौरतलब है हमने इसी चैनल पर सबसे पहले कॉटन के अंदर आपको अग्रिम भविष्यवाणी करते हुए ये कहा था कि मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा यदि कॉटन ईयर ऑफ द कमोडिटी के रूप में एस्टेब्लिश हो जाए। कॉटन वाइट गोल्ड यानी सफ़ेद सोना के रूप में भी जानी जाती है और पूरे विश्व में अमेरिका और भारत के ऊपर पूरे लोग नज़र रखते हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ एक दिन के अंदर तेज़ बरसात राजस्थान के सीमांत इलाकों पे देखी गई है और वहाँ पर भी कपास की फसल को खड़ी स्टैंडिंग क्रॉप जो है यानी खड़ी फसल को नुकसान होने की सूचनाएँ मिल रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून अक्टूबर माह में विदा नहीं हो रहा है। अक्टूबर माह के लगभग आज 25 तारीख हो रही है और लगातार बरसात देश के विभिन्न प्रांतों पर देखी जा रही है। एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो हमने आपको अग्रिम की थी वो भी सत्य साबित हो रही है और बारिश यानी मानसून अभी भी अपना प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन ये बरसात निश्चित रूप से स्टैंडिंग क्रॉप्स यानी खड़ी फसलों एवं जो फसलें कट चुकी हैं उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। एक महत्वपूर्ण तो कपास और कपास खली के अंदर भी आज तेज़ी की संभावना बन सकती हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर एक बड़ी मंदी भी इंतजार कर रही है ऑयल सीड्स के अंदर यानी और कॉटन यानी कपास में। दोस्तों, हमारे अगले आप बहुत बारीकी से बहुत विशेषकर आप देखें, ऐसी हमारी कामना है। हम लगातार आपको अपडेट देंगे, लगातार आपसे बात करेंगे और कृषि जींसों की तेज़ी मंदी की अग्रिम आपको सूचना देंगे। और एक और ये था कृषि जींसों पर आज का आकलन। अब शेयर बाज़ार, शेयर बाज़ार के अंदर आज बैंक निफ्टी के अंदर तेज़ी की संभावना बन सकती है और बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, इन सभी के ऊपर नज़र रखनी उचित रहेगी। इसमें मजबूती की संभावना बन रही है।
जबकि निफ्टी के अंदर मुझे कोई बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं बन रही है, उसके अंदर मुनाफा वसूली या वॉलेटिलिटी रहने की संभावना है। विशेषकर जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले कारोबारी हैं, उनसे एक इल्तिजा, उनसे एक आग्रह भी है कि वो समय पर अपना मुनाफा वसूल कर ले, क्योंकि मुनाफा जो आपके घर आ जाए, मुनाफा वो नहीं जो आपके एक्सचेंज में रहे, विशेष ख्याल रखना। स्टॉक मार्केट के अंदर के बाद में अब कमोडिटी बाज़ार में क्या संभावना बन सकती है। गौरतलब है कि हमारे पिछले एपिसोड में हमने कच्चे तेल के ऊपर चर्चा की थी, कच्चे तेल ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। आज सोने चांदी पर नज़र रखिए, सोने चांदी के अंदर मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगता है अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। इसके अतिरिक्त इस प्रोग्राम को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिएगा, शेयर बाज़ार हो या फिर कमोडिटी बाज़ार, करेंसी बाज़ार, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस का ये संयुक्त प्रयास आपको ज़बरदस्त अग्रिम सूचनाएं देता है, विश्लेषण करता है और अपनी राय देता है, जो कि अक्सर सत्य साबित होती देखी जाती हैं। तो दोस्तों, आपने हमारे प्रोग्राम को बहुत प्यार सम्मान दिया है, उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।